जिला फिरोजपुर के कस्बा गुरु हरसाई फरीदकोट रोड पर स्थित एक कन्फेक्शनरी की दुकान में बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसमें कन्फेक्शनरी में पड़ा सारा सामान जलकर राख हो गया और दुकानदार का भारी नुकसान हो गया। उधर पीड़ित दुकानदार ने बताया कि वह हर रोज की तरह रात को 11 बजे दुकान बंद करके घर चला गया था, तथा आज सुबह कुछ लोगों ने उसे बताया कि उसके दुकान को आग लग गई है, जिसमें उसने देखा कि उसका सारा सामान जलवा हो चुका है। उधर लोगों ने जिला प्रशासन से दुकानदार की आर्थिक सहायता की मांग की है। 11:30 बजे जाना मैं तो दुकान को, जो मैं सुबह मैनू बस वाले ने दसिया, बस तो सवारियां जिड़िया चढ़दिया सी, उन्होंने पता लगा कि नूडलों की दुकान है। उन्होंने मकान का आपन नहीं पता सही गल, किन्ने बजे गल फिर ये कोई जी 4:40 की गल जी सुबह, ते उन्होंने अपनी गली दे विच जाके 7-8 दरवाजे खड़काए सारियां दे, उन्होंने पूछा नूडलों का मकान केड़ा है, उन्होंने फिर उन्होंने दसिया कि आ उन्होंने मकान हैगा, असि जल्दी जल्दी भज के आए हाँ, भज के आए हैं, पहला सप्लाई बंद करवाई है, उस बाद शटर जो चक्या तो सारिया बारियों को चल चुकिया से, फिर असी हौली हौली करके सारा समान जो बाहर कटिया, सारा समान A to Z खराब हो गया जी, सारा समान खराब हो गया, घटो घट मेरा जी 2.5-3 लाख का नुकसान हो गया। जागती लाइव के लिए फिरोजपुर से पंकज कुमार की रिपोर्ट।